नमस्कार, जेके न्यूज 7 में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि मैं आपके सामने एकदम सही सलामत खड़ी हूँ। मेरे हाथ, मेरे पांव एकदम सही सलामत हैं। मैं चल फिर सकती हूँ, मैं घूम फिर सकती हूँ, मैं ड्राइव कर सकती हूँ, मैं हर जगह आ जा सकती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी के शिकार हैं, और कुछ ऐसे नौजवान जो हैं जो काफ़ी दुख में आकर बहुत से ऐसे स्टेप उठाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बच्ची, देखने में छोटी सी बच्ची लगती हैं बट उनकी उम्र है 32 साल, उनका नाम है जसप्रीत, आपको उनसे मिलाएंगे और उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे। जी आइए, मिलाते हैं आपको जसप्रीत से। जसप्रीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज 7 में। थैंक यू सो मच। जसप्रीत, अपने बारे में बताइए कि कैसी है आपकी कहानी? मेरी कहानी शुरू से लेके अभी तक बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा। मतलब मानो कि मेरी लाइफ ही स्ट्रगल के साथ स्टार्ट हुई है। पहले तो भगवान ने मुझे ऐसे बनाया, फिर उसके बाद मेरी मम्मा को भी छीन लिया। कितने साल की थी आप जब आपकी माँ आपको अलविदा कह गई? 29 साल। कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। क्या क्या शौक रखती हैं जसप्रीत आप? शौक में पेंटिंग बनी हो तो उसमें कलर्स करना, टीवी देखना। जी, टीवी में ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, और सीरियल, सीरियल देखना अच्छा लगता है जसप्रीत। और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? मेरी फेवरेट हॉबी है ये एंकलेट्स वगैरह बनाने की। अच्छा, आप एंकलेट्स भी बनाती हैं? एंकलेट्स बनाती हूँ, नेकलेस बनाती हूँ। तो और इसके ये आइडियाज कहाँ से लेती हैं जसप्रीत आप? ये आइडिया मुझे बचपन से ही है जी। पहले तो मैं नॉर्मल धागे में सिर्फ मोती डालती थी। अच्छा, तो अब मैं डिजाइन बनाती हूँ। अच्छा, आप खुद बनाती हैं? अब मैं खुद बनाती हूँ, बिना किसी की कॉपी किए हुए। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जसप्रीत, और बताइए अपने बारे में कुछ जो आम लोगों को नहीं पता हो, और क्या क्या स्ट्रगल्स आपने किए हैं अपनी मैंने अपनी लाइफ लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए। पहले तो मैं लोगों को तक मैसेज करती थी कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को वॉशरूम की प्रॉब्लम है, मेरे को अपने आप पर डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट होने। तो लोगों ने मुझे हाँ की, यस की, लोग मेरे पास आए भी, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती जी, क्योंकि हर बात किसी को बताई नहीं जाती। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ वो समझ भी जाए तो उसको गिल्टी फील हो जाए, बिल्कुल, अगर और कोई उसको समझे ना, गलत ना सोचे। वो लड़का मेरे पास 3 बार वीडियो बना के आया, 3 बार उसने मेरे वीडियो बनाई, तो उसने मेरी हेल्प नहीं की। अभी मुझे 3 महीने हो गए पता लगा है उसकी, वो मेरे नाम से चैरिटी खा रहा है। अच्छा जी जी तो मैं बता नहीं सकती, किसी का नाम जो करेगा वो भरेगा। बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो करेगा वो भरेगा भरेगा। कोई नहीं। जसप्रीत, अब मुझे ये बताइए कि और कौन, जैसे आप एक मोहल्ले में रहती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे यहाँ के आस पड़ोस के लोग आपकी हेल्प करते हैं? आस पड़ोस के लोग हेल्प तो बहुत करते हैं। अगर मेरे को किसी वॉशरूम की प्रॉब्लम हो तो वो मुझे वॉशरूम वगैरह लेके जाते हैं, मुझे खाना पानी जो भी होता है। अभी होटल स्टार्ट हुआ है, वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, भैया और अंकल है। आपके मेरे को शाम को चाय भी दे जाते हैं, खाना भी दे जाते हैं। ठीक है, तो जसप्रीत आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरे पापा है, मेरे छोटा भाई है। अच्छा, पापा क्या करते हैं बस जसप्रीत आपके? पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, तो भैया? भैया अमूल कंपनी में जॉब करते हैं। तो घर पे आप 3 लोग रहते हैं? हाँ जी। तो सारी हेल्प आपकी मेरे भैया करते भैया करते हैं? जी, ये तो भैया बहुत करते हैं और मेरे साथ में जो प्रोस है वो करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपके भैया आपकी हेल्प करते हैं। एक तरफ से एक माँ का रोल निभाते हैं वो। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया को गर्व है उन पर कि वो इतना ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी ये जसप्रीत से हम बात कर रहे हैं, जसप्रीत द्वारा जो बनाए गए कुछ ब्रेसलेट्स हैं उनको आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जसप्रीत ने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, इतने सुंदर। ये देखिए, ये जसप्रीत ने अपने हाथों से ब्रेसलेट बनाए हैं। जसप्रीत की एक एल्बम है, आप यहाँ भी देख सकते हैं जसप्रीत की एल्बम में, ये आप पिक्स देखिए, ये जसप्रीत ने अपने हाथों से ये चीज़ें बनाई हुई हैं। कितनी
एक तो दुखद बात भी है, दुख भी लगता है कि एक ऐसी लड़की, एक 32 साल की जसप्रीत, जो डिसेबिलिटी की शिकार है, डिसेबल है, फिर भी उनमें कितनी कला कूट कूट कर भरी है। मैं सरकार से अपील करूंगी कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। इस छोटी सी बच्ची बच्ची क्या हमारी जसप्रीत है ये, जो जिन्हें देखकर हर एक को प्रेरणा लेनी चाहिए, हर एक को ये सोचना चाहिए कि हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ना है। जसप्रीत के जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए। और जसप्रीत से एक बात मैं और पूछना चाहूंगी। जसप्रीत जी, मैंने सुना है कि आपको उमर भैया से मिलने का बड़ा शौक है। बहुत ज्यादा जी, अच्छा, उमर अब्दुल्ला जी से मिलना चाहेंगी आप, और किससे मिलना चाहेंगी? वो नरेंद्र मोदी जी से। अच्छा जी, वो तो मैं भी मिलना चाहूंगी, फिर इकट्ठे हम मिलेंगे। इकट्ठे मिलेंगे बिल्कुल। कंफर्म। तो जसप्रीत, उमर भैया को क्या मैसेज देना चाहोगे? उमर भैया को मैं तो थक गई हूँ मैसेज कर करके। उनके पेज पे भी, एनसी के ग्रुप्स में भी रिक्वेस्ट की है, मगर अभी तक मेरी रिक्वेस्ट पहुंची नहीं कहीं पे। जसप्रीत, मैं JK News 7 के माध्यम से उमर अब्दुल्ला जी से ये अपील करना चाहूंगी कि सर, आप प्लीज, एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जसप्रीत से एक बार जरूर मिलें, और कोशिश कीजिएगा कि इनके जो जज्बा है, इनका जो काम करने का तरीका है, जो ये काम करती हैं, इतना कुछ होने के बावजूद, इनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखने के बावजूद भी ये इतना अच्छा काम करती है, इनके काम को उभारा जाए, इनके काम को जनता के सामने लाया जाए। आज मेरे को मतलब हफ्ता हो गया, लोग मेरे को काफी कॉल्स कर रही है, बाहर से कॉल्स आ रही है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी बिल्कुल मेरे ड्रीम में भी नहीं सोचा हुआ था कि मुझे इतनी दूर दूर से कॉल्स आएंगी। जसप्रीत, आपके इस जज्बे को हम सब सलाम करते हैं। तो मेरे को लोग कह रहे हैं कि आपको पैसों की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपकी अपना अकाउंट नंबर दें। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, जी फाइनेंशियल मुझे हेल्प नहीं चाहिए। दया मैं कितने दिन लूंगी, दया मुझे नहीं चाहिए किसी से भी, मुझे अपने आप को बिल्कुल। मुझे देख के, ताकि किसी को मिसाल बने, हर एक मिसाल बने। जसप्रीत, एक मैसेज जाते जाते, एक जैसे आजकल हर नौजवान परेशान होता है तो सबसे पहले सुसाइड करने को जाता है, क्यों, ऐसा क्यों? आप उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? लाइफ में कभी भी हार मत माने, अगर आप हार मान गए, क्योंकि लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ये थी हमारे साथ जसप्रीत, जिन्होंने अपनी कहानी अपनी जुबानी हमें सुनाई। हमें दुख भी लगता है, एक दिल में एक टीस सी उठती है कि अगर, फिर भी टीस उठती तो है, बट हमें फील भी होता है, एक तरफ से हमें ये खुशी भी होती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो फिर हम लोग क्यों हार मान जाते हैं? अगर दुख की घड़ी में हम भी अपने हौसलों को बुलंद करें, तो हम भी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में एक बार फिर उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करना चाहूंगी कि प्लीज, आप जसप्रीत से एक बार जरूर मिलिएगा। कैमरा पर्सन शिव प्रताप सिंह राठौर के साथ ममता गोरिया, JK News 7, जम्मू।